महान गाथा महाभारत के युद्ध के किस्से तो आपने काफी सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत की कथा का अंत कैसे हुआ? युद्ध के बाद पांडवों का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि श्री कृष्ण का क्या हुआ? आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन कौरवों की मां गंधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी नाश होगा। पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया और समय के साथ साथ गंधारी का श्राप भी असर दिखाने लगा। स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा यादव कुल एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने आपस में लड़कर अपनी पूरी नस्ल को ही खत्म कर दिया। इसके बाद एक दिन एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण पर एक तीर चला दिया। क्योंकि श्री कृष्ण मानव शरीर में थे तो उन्हें अपना शरीर छोड़कर जाना ही था। उस शिकारी के तीर से लगने के बाद कृष्ण जी विष्णु के रूप में आए और अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद श्री वेद व्यास ने अर्जुन से कहा कि अब पांडवों के जीवन का उद्देश्य खत्म हो चुका है और अब उन्हें हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा करनी चाहिए। ये वो वक्त था जब द्वापर युग खत्म होने वाला था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। अपने राज्य में अधर्म को बढ़ता देख युधिष्ठिर ने राज्य सिंहासन अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंपकर चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आखिरी तपस्या के रूप में जीवन की अंतिम यात्रा पर हिमालय की ओर चल पड़े। एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चल दिया। स्वर्ग की उनकी यात्रा में एक एक करके पांडवों की मृत्यु होने लगी। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और फिर एक एक करके सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम का भी अंत हो गया। इन सब की मौत का कारण था सबके अपने अपने गुरूर की वजह से आई